चलिए एक आखिरी सवाल शामिल कर लेते हैं शो में। ईमेल के जरिए सवाल पिंकी ने पूछा है, बलवंत जी ये एक स्टूडेंट हैं और ये जानना चाहती हैं कि क्या ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकती हैं। चारू, ऐसा है कि म्यूचुअल फंड में कोई भी व्यक्ति इन्वेस्ट कर सकता है, परंतु इन्वेस्टमेंट शुरू करने के पहले आपको जो उसकी केवाईसी है वो करनी पड़ती है। केवाईसी के लिए आपका जो आइडेंटिटी प्रूफ है और एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ में फोटो जो है, फोटो लगा हुआ कोई भी प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ है, वो आप कैंप्स में जाके करवा दीजिए, और पेन नंबर होना जरूरी है। और जैसे ये तो स्टूडेंट है पिंकी, तो मेरे हिसाब से ये तो बढ़िया टाइम है इन्वेस्टमेंट शुरू करने का। जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा, और इस उम्र में मेरे हिसाब से इक्विटी में इक्विटी का एक्सपोजर लेना चाहिए, और इक्विटी का एक्सपोजर जो लेना है वो लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, आपको सिप के जरिए ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे वो जो रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जब रेट कम हो जाती है तो आपके पास ज्यादा यूनिट्स आ जाती है, और अगर रेट एनएवी बढ़ जाती है तो आपका जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो दो चीज बताऊंगा मैं, एक तो इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो सिप के जरिए करना चाहिए, और जो यंग व्यूअर्स है उनके लिए और बताना चाहूंगा कि आप जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे उतना जल्दी आपका कॉर्पस बिल्ड होगा आपके गोल के लिए। जी बलवंत जी, बिल्कुल, ये स्टूडेंट हैं, इनके पास अभी काफी टाइम होराइजन है और ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए केवाईसी भी इनको कराना पड़ेगा। क्या ये अगर 100% इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहे तो ये कर सकती हैं? अगर ऑफकोर्स उसके लिए इनको थोड़ा मार्केट समझना पड़ेगा, तो आप इनको इक्विटी में बोलेंगे, या अगर आपने म्यूचुअल फंड की बात करिए तो इनको म्यूचुअल फंड भी बता दीजिए, आप कौन से फंड इनको एडवाइस करना चाहेंगे? देखिए चारू, ऐसा है कि जो डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करना वो फुल टाइम जॉब है, और जो लोग दूसरा और कुछ काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी वगैरह करते हैं, तो उनके लिए जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है इक्विटी में वो काम का नहीं। और जैसे मैंने बताया कि आप इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो म्यूचुअल फंड के मैं सिप के जरिए करिए, आपको करना है तो जैसे यूटीआई अपॉर्चुनिटी फंड है, आईडीएफसी प्रीमियर फंड है, फ्रैंकलिन ब्लू चिप फंड है, आईसीआईसीआई का प्रू फोकस फंड है, उसमें आपका जितना इन्वेस्टमेंट में डिवाइड करके कर सकते हैं। परंतु जैसे बाकी व्यूअर्स के लिए भी बता दूं मैं कि आप बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट नहीं करें, आपके पास पांच, ज्यादा से ज्यादा चार पांच स्कीम होनी चाहिए, और उस स्कीम को आप रिव्यू जरूर करते रहिए। जी, तो कहीं ना कहीं ज्यादा डाइवर्सिफाई ना करें, फिलहाल पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, और एक्सपर्ट एडवाइस भी हम इनको दे चुके हैं, इन फंड्स का चुनाव भी कर सकते हैं। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही, बलवंत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। स्वागत है आपका।